थे मेरे शौन नगम थे मेरे प्यार, तो पेश सितमर सावन आज विशेष। आज मैं फैजाबाद में बैठा हूँ तो मुझे मेरे पहाड़ के साथी श्री मनोज तिवारी मिल गए हैं। तो कुछ चर्चा उनसे हो रही थी, तो उस चर्चा में मुझे कुछ बातें ऐसा नजर आया कि जिसमें कि हम अपने यंगस्टर्स को कुछ मैसेज देते हैं। तो कुछ बातें मनोज तिवारी की जो फीलिंग है उसको हम शेयर करते हैं, उनसे बात विवाद करते हैं। तो देखिए क्या निकल के आता है। हाँ मनोज तिवारी जी नमस्कार, जरा मास्क हटा लेंगे जल्दी थोड़ा सा, क्योंकि कम्युनिकेशन हो रहा है तो वैसे तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है। यस हाँ नमस्कार। तो मनोज तिवारी जी आप रहने वाले तो अल्मोड़ा के हुए? यस सर। और गांव कहाँ हुआ आपका? गांव अल्मोड़ा के जनपद अल्मोड़ा पड़ता है और चाण गांव पड़ता है। अच्छा चाण गांव। यस सर। है ना, तो वहाँ के आप रहने वाले हुए, हल्द्वानी में सेटल्ड हैं। यस सर। और फैजाबाद में आप हमसे मिल गए, अकस्मात मुलाकात हुई। ये मेरा सौभाग्य है सर कि आपसे मेरी मुलाकात हुई। चलो चलो। अच्छा थोड़ा सा अपने जो पढ़ाई लिखाई किया। यस सर। उसके बारे में कुछ जिक्र करें। यस सर बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई के बारे में जिक्र करना चाहूंगा सर। सबसे पहले तो कहाँ पढ़िया, कब का पढ़िया? ओह सर, है ना, मीर अलमार बटिया को एजुकेशन शुरू करी सर। सबसे पहले मैं GIC अलमार में मेरी कक्षा 7 में एडमिशन ले सर। अच्छा अच्छा। ये बात मिल 1995 में हाई स्कूल करी आप। अच्छा 1995 में। 1997 में मैं इंटर में बैठी करो। ठीक। ये बात 2000 सन में मैं ग्रेजुएशन जो छे सुवन सिंह जीना परिसर अलमार बैठी करो सर। ठीक छे। ये बात 2002 में MSc करो वहाँ बैठी। अच्छा। तो सर लेकिन वो भी जो मिल आप अनुभव करो ये बात मिल BEd करो। अच्छा। 2005 में मैं BEd करो। ओके ओके। तो लेकिन ये बात मैं तैयारी में लगी आपको अगली कहूँ कि पढ़ाई करनी चाहिए। अभी पहले मुझको के मतलब नहीं चाहिए कि हो के चाहिए और के करनी, अब के एमलेस अभी तैयारी करी। अच्छा, मतलब एमलेस के क्या क्या तैयारी करना है? बैंक का तैयारी शुरू में। अच्छा बैंक ये फोकस ना लोगों दोस्त यार उनको है कि हिटो यार बैंक का तैयारी कर ली मिलकर हिटो पर मिला हिट तो मुझे। अच्छा तो मतलब आपने इंटरमीडिएट किया? यस। उसके बाद BSc किया? यस सर। BSc के बाद MSc किया। MSc के बाद फिर BEd किया। तो मतलब सारा की सारा ऐसा लग रहा है जैसे हवा में किया हो आपने। ना ना सब थोड़ा बहुत तो पढ़ने को भाई, लेकिन खाली पास होना नहीं। ना करियर एस्पेक्ट से ठीक भाई, कोई एक विद्यार्थी BSc करता है जी, चलो वहां पर भी समझ में आता है, फिर MSc किया। यस। तो कोई एम लेके MSc करता है। हाँ। फिर MSc के बाद ट्रैक चेंज हुआ आपका। हाँ। BEd किया। हाँ, 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 सर। है ना। यस सर। तो फिर उसके बाद फिर आपको अकल आया? अकल आया बिल्कुल सर। उसके बाद अकल आया BEd करने के बाद। BEd में एक हमारी मैडम हुआ करती थी SK रॉय मैडम। अच्छा। तो उन्होंने कहा आपके अंदर बहुत टैलेंट है। अच्छा। मतलब पहली बार मैंने अपने को ही जाना कि हाँ शायद मैं भी कुछ हूँ। उससे पहले मैं अपने को पहचान ही नहीं पाया कि मेरे अंदर भी कोई प्रतिभा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं कभी कोई मुझे बताने वाला नहीं कि हाँ ये पढ़ाई भी ये होती है, मुझे कोई इन चीजों से वास्ता ही नहीं था सर। वो खाली केवल पास होने के लिए कि हाँ एक एजुकेशन बढ़ानी है सिर्फ इसलिए पढ़ा, कोई सामने एक फोकस लेकर के अपनी लाइफ को कि हाँ किस तरीके से आगे मुझे क्या करना है ये सोचा ही नहीं। BEd भी GIG ने कहा यार कुछ नहीं करोगे तो मास्टर ही बन जाओगे, इसलिए BEd ही कर लो। ओके। फिर BEd करने के बाद क्या किया? तो मैडम ने जब मुझे समझाया कि आप तैयारी करिए आपके अंदर कैलिबर है, तो मैं दिल्ली चला गया सर तैयारी करने। अच्छा। तो वहां जो है मैंने IAS की तैयारी की उसके बाद। IAS हालांकि मैं वहां अटेम्प्ट IAS का देने के लिए तब तक जा चुकी थी मेरी एज, क्योंकि 28 हाँ सर IAS की एज के लायक मैं हट चुका था। 28वां 29वां साल था मुझे, एक अटेम्प्ट मेरे पास बसता और इतनी तैयारी मेरी नहीं थी। अच्छा। कि मैं उस अटेम्प्ट पे तो तिवारी जी मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा। यस। तो कहने का तात्पर्य है तिवारी जी में प्रतिभा पूरी थी, वो अगर मान ले जाए कि BSc स्टार्टिंग से अगर वो जो है इस IAS के डायरेक्शन में चले जाते तो 3 साल उस दौरान वो तैयारी का मौका मिलता उनको, और 2 साल उन्होंने MSc किया वो 2 साल और मिलता, 2 साल BEd किया 2 साल मिलता, मतलब 7 साल का कितना बड़ा दंड जो है तिवारी जी जो IAS बन सकते थे वो मेरे ख्याल से मिस हुआ। तो एक तो ये मैसेज हम देना चाहते हैं, हमारा पहाड़न है बेरोजगार कोई नहीं रह सका, लेकिन समयल अगर तुम तैयारी करा तो तीन थे सब मिलल जो तीन चेला। चलो आगे की चर्चा करते हैं तिवारी जी से। तो फिर तिवारी जी फिर दिल्ली के बाद क्या हुआ? दिल्ली के बाद तैयारी करने लगा तो वहाँ सीरियसली होकर के वाकई मैं लगने लगा कि हाँ तैयारी है। तो वहाँ जब आसपास उम्र है 30 उदार है 28-29 साल है, मतलब 30 पूर्णी है 28-29 साल। तो उस समय लागू की जब वहाँ माहौल देखो
ये लीजिए सर, एक चीज मैं अलग पहुंचानू कि सबसे पहली चीज जो है कि आपको आसपास माहौल लगाना जरूरी है, चाहे वो मेयर कर्तव्य हो, चाहे मेरा परिवार कर्तव्य हो, जैसे कर्तव्य हो, पहले कर्तव्य हमारे स्कूल या परिवार में यह सुनना चाहिए कि एक माहौल बनाना बहुत आवश्यक है। आपको आसपास यस माहौल होना चाहिए कि जब पढ़ाई बात हो, वहां जब मैं गी मुखर्जी नगर में तो सर वहां की पढ़ाई अलावा के दिखने रहे नहीं हो, सब पढ़ाई 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 सब लौंड जो छा आई एस तैयारी में, तो वहां तब मुझे लगा यार कि हम आपको जिंदगी सब 7 साल 8 साल जो है उसकी खेलनी आज बहुत मतलब ये बात दिल में बहुत अजीब सा अनुभव हो, तो तब जब फिर तैयारी की स्टार्ट करी तो ये बात सर मैंने 3 बार PCS निकालो यार। इंटरव्यू मेरा बोर्ड हरिद्वार में इंटरव्यू था सर, हरिद्वार हमारे नयाल जी थे पहाड़ के, तो उनके ही बोर्ड में मेरा इंटरव्यू पड़ा था, 2 बार उनके बोर्ड में पड़ा था, 1 बार कोई और थे सर, नाम नहीं मुझे याद, तो LIC में आने के बाद, तो यह बीच में सर मेरे LIC में नौकरी लग गई, फिर आप घर घर में रहे कोई कमुनी जरिया नहीं थी घर में, केवल इजे इच्छे जबकि थोड़ा सा पेंशन मिलती 3500-3600 का पेंशन मिलती, तो वही हमारा घर चलती, तो वही भी बात फिर मुझे LIC ज्वाइन करना पड़ी, तो मैंने LIC ज्वाइन करी सर मिली, तो ये बात तैयारी में लगी, मतलब जैसे जो IAS हुई उम्र है 30 साल सर, है ना, वो अभी जो उत्तराखंड जो PCS वही उम्र है ना, मैं 42 साल तो उसके बाद आपने 2-3 बार अटेम्प्ट किया, फिर 3 साल के बाद नहीं हुआ, तो घर की परेशानी, क्योंकि भाई जब समय से रोजगारी मिलती है तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, समय से अगर रोजगारी नहीं मिलती है तो वातावरण का दबाव भी जो है एक नौजवान को होने लगता है, क्योंकि जो तिवारी जी 30 साल के बाद सीरियस हुए उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो अब हम कहीं जॉब करते हैं, कहीं सर्विस करते हैं, तो अभी भी वो निकाल सकते थे लेकिन परिस्थिति ने उनको जो है फिर ये वाला जॉब में जो है आने के लिए मजबूर किया, और यहाँ पर नहीं, यहाँ भी सर बहुत अच्छा है, यहाँ भी बहुत अच्छा करना है, मैं अपना प्रयास करूंगा कि वहां का जो मैं नहीं कर पाया मैं यहाँ कुछ करके दिखाऊं, क्योंकि आज मैं अपने मतलब हर चीज को देखना चाहता हूँ, जो मेरे अंदर कैलिवर था मैं उसको यहाँ दिखाना चाहूंगा सर। चलो तो ये बहुत अच्छी एक संक्षिप्त बात जो है तिवारी जी से हुई हमारी, तो कहने का तात्पर्य हमारे यंगस्टर्स हैं जो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, जिन्होंने जो है 12th क्लास में बढ़िया अच्छे अंक लाए हैं, या 12th क्लास में कितनी घन से अध्ययन कर रहे हैं, कृपया करके कैरियर का आप अभी से डिसाइड कर लीजिएगा, ये खासकर पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है, इस बोझ जरूरी है जो तिवारी जी कहे कि माहौल बनाना बहुत जरूरी है, अपन चाल चलन है बतौन जरूरी है, तो जब वो बतौला समयल बतौला समयल चाल चल जो है वो समझल तो ठीक टाइम में बढ़िया नौकरी बिल्कुल। तो शिक्षा के महत्व को जब तिवारी जी को लगा कि समय से सदुपयोग होना चाहिए, तो उन्होंने पत्नी को जब शादी हुआ था उसके बाद उन्होंने उनको जो है BA करवाया, तुरंत एग्जामिनेशन की तैयारी करवाया और उत्तराखंड के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक अधिकारी के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। अब मैं आपको चाण गांव का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां के श्री मनोज तिवारी जी रहने वाले हुए, और मुझे यह बताते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है, भारत रत्न स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत जी का गांव भी खूंट गांव में है अल्मोड़ा ज़िले के, और यहां से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर खूंट गांव है। तो तिवारी जी से जो है ये छोटी सी चर्चा जो है कहां उत्तराखंड और कहां फैजाबाद में हम लोग मिले हैं, तो यू भल्ले तिवारी दादा प्रशासन में, तो इसी तरह से कुछ न कुछ बातें चे चेवा चैनल में करते रहेंगे, तो की कलाती मैं दादा चे चेवा धन्यवाद।